दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे कि हम कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है वो कैसे अपने ब्लॉगर पे या वेबसाइट पे ऐड करें। दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आप देखिए यहाँ पे मेरे पेज में कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म ऐड करना है और उसमें कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते ही यूजर नेम और पासवर्ड या योर नेम ईमेल आईडी और टेक्स्ट का ऑप्शन आना चाहिए नीचे, वो मैं इंटीग्रेट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में जा करके लॉगिन होना पड़ेगा, तो आप लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए सबसे पहले आपको पेज क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक नया पेज क्रिएट कर लीजिए, ऐड न्यू पेज, और यहाँ पे आप इस पेज का नाम जो भी इच्छा आप दे दीजिए, कॉन्टैक्ट अस दे देता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट अस, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। दोस्तों तो यहाँ पे देखिए पेज, अभी मैं ऑल पेज में देख रहा था, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म यहाँ पे दिख गया, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ। लेकिन अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ अपीयरेंस मेनू में, जाके ऐड कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस को। अभी तक देखिए दोस्तों जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट अस नहीं आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन। तो इसको जैसे ही मैं ऐड करूँगा ऐड मेनू यहाँ और यहाँ सेव करूँगा तो यहाँ पे शो कर देगा, यहाँ पे मेनू वन कॉन्टैक्ट अस एंड सेव, ठीक है दोस्तों। मेनू वन, अच्छा मेनू में करना मुझे, तो यहाँ से मैं मेनू अभी असाइन में मेनू कर रखा हूँ, तो यहाँ से इसको मैं चेंज करूँगा और इसको मैं रिव्यू करूँगा क्योंकि ये पेज नहीं है, और यहाँ से हम कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए और यहाँ सेव कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ जैसे ही सेव करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए ब्लैंक आ गया, मतलब कुछ भी इसके नीचे कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए कहीं भी कॉन्टैक्ट अस अपीयरेंस के नीचे कहीं भी कॉन्टैक्ट का कोई भी फॉर्म नहीं है, पेज के अंदर सिर्फ एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है और कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, तो ऐड न्यू में जाएंगे और ऐड न्यू में जाने पे यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म सेवन जो काफ़ी रिजनेबल है और लोग इसे यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म सेवन, तो इसको अब देखिए इंस्टॉल कर लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म सेवन को। और इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एक्टिव करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको डैशबोर्ड में प्लगइन्स में दिख गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं हम, और ये जो कोड है इसको कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे पेज में, ऑल पेज, पेज में जाने के बाद एडिट का ऑप्शन यहाँ पे, एडिट पे क्लिक करें और आप यहाँ पे टेक्स्ट में जा करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें और यहाँ अपडेट कर दें। अब देखिए दोस्त यहाँ पे आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे योर नेम, योर ईमेल आईडी, सब्जेक्ट एंड मैसेज लिखा हुआ आ गया। तो दोस्तों आपने देख लिया कि आप कैसे कॉन्टैक्ट अस पेज अपने ब्लॉगर्स या वर्डप्रेस वेब पेज पे ऐड करें। अगर यह पोस्ट आपको अच्छा लगा होगा या इसी टाइप का वर्डप्रेस रिलेटेड किसी तरह का पोस्ट चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं फुल वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट डेवलप करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, और अगर किसी तरह का क्वेश्चन या क्यूरी है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए।
मैं आपको रिप्लाई दूंगा जब भी फ्री होऊंगा तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग Kartclues.com यूट्यूब चैनल।